जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु नित्य गौर हरि गौर हरि गौर हरि श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ से श्रवण कर रहे थे, चैतन्य शिक्षा अष्टकम ग्रंथ से श्रवण कर रहे थे, जिसमें जिसको भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित किया गया है। इसमें हमने पहले श्लोक जो था चेतो दर्पण मार्जनम से श्रवण किया था। हमने ये भी श्रवण किया था कि भगवान की तीन शक्तियां होती है, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। इस श्लोक के संदर्भ में बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो भगवान की शक्तियां हैं
भगवान से एक भी है और भगवान से अलग भी है। ऊपर के जो डिस्कशन है उससे सिद्ध होता है कि जीव जो है, जीव भौतिक जगत जो जड़ जगत है, और भगवान का पर्सनल ऐश्वर्य जो है, जैसे उनका वैकुंठ का अस्तित्व, सारे ये एक हैं और अलग भी हैं, उनके स्वरूप से अलग है। तो आध्यात्मिक कण हैं, जीव हैं, ये भगवान के ऊपर निर्भर हैं, और ये हम जो जीव हैं भगवान के कण हैं। भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, तद्रूप वैभव, और उनके विभिन्न अंश हैं। इस प्रकार से अभेद है, भगवान से अलग नहीं है क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। लेकिन भगवान के बारे में ज्ञान लेकिन भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण हम उनसे भिन्न हैं। अब आप आगे श्रवण करेंगे वो विधि जिससे हरि कीर्तन जीव के लिए सफल हो जाता है। जिससे जीव के लिए हरि कीर्तन सफल हो जाता है। पहला, जीव भगवान की तटस्था शक्ति है। इसका अर्थ क्या है? जैसे सूर्य की किरणें बादलों से कवर हो जाती है, उसी प्रकार जीव जो है भगवान की माया से कवर हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे असंभवता का सिद्धांत जो है, वो संभवता के सिद्धांत संभवता को जीत लेता है। अघटना घटना पटी आसी, संभवता जो असंभवता जो है वो संभवता को जीत लेती है। उसी प्रकार से जीव जो कण है भगवान की तटस्था शक्ति से कवर हो जाता है, माया से कवर हो जाता है। जीव जो भगवान की तटस्था शक्ति से व्यक्त हुआ है वो भगवान की बाहरी शक्ति से कवर हो जाता है। क्योंकि जीव भगवान की तटस्थ शक्ति से व्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है, तो जीव का नेचर भी, जीव का स्वभाव ही तटस्थ है। दूसरे शब्दों में वो तटस्थता स्थिति में है। एक तरफ तो भगवान की स्वरूप शक्ति है, और दूसरी तरफ भगवान की बहिरंगा शक्ति। तो जब जो लिविंग एंटिटी जीव है भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रय में आता है, वो भगवान को सेवा करने की
मुक्त अवस्था में भगवान की सेवा करने की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, और दूसरी तरफ भगवान की माया शक्ति है, जब जीव इस भौतिक जगत में इच्छा करता है, आनंद की इच्छा करता है, वो माया से कवर हो जाता है। जब जीव इस भौतिक जगत में एंजॉय करने की इच्छा करता है, माया से कवर हो जाता है। जो जीव है माया से भ्रमित होके जीव माया से भ्रमित होके बहुत ही जगत के कष्ट पाता है, बट जब वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से संबंध स्थापित कर लेता है, तो जो माया के कारण अज्ञान, माया से संयुक्त अज्ञान है, वो खत्म हो जाता है, और इस प्रकार से वो भौतिक कंडीशन से मुक्त हो जाता है, अपने शुद्ध आध्यात्मिक अवस्था में स्थित हो जाता है, शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी का दूसरा भाग है माया को जीतने की विधि। जीव जो है माया से भ्रमित होकर बार बार कष्ट पाता है, बहुत ही जगह कष्ट पाता है, जब वो इन कष्टों से पूरी तरह निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, और किसी बड़े सौभाग्य से वो बाधित हो जाता है भगवान की सेवा करने के लिए, तब जाके वो संत पुरुषों की सेवा करना शुरू करता है। उस समय उसका विश्वास जागृत होता है भक्ति के लिए, कई बार उसके अंदर बहुत तीव्र इच्छा जागृत होती है भगवान के मधुरता को प्राप्त करने की, भगवान माधुरी लोभ। तो कई बार तो शास्त्रों के द्वारा वो साधना में लगता है, और कई बार उसके पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, उसके अंदर तीव्रता जागृत होती है भगवान के प्रति माधुरता, उस समय वो भक्ति के योग्य हो जाता है। एलिजिबल हो जाता है भक्ति के लिए, योग्य हो जाता है। इस भक्ति की स्वाभाविक विशेषता यह है कि इस भक्ति के अंदर भगवान की आनंद देने वाली शक्ति रहती है। जब उसके अंदर श्रद्धा इस प्रकार जागृत होती है, तो सबसे पहले वो गुरु का शरण लेता है, उससे हरिनाम स्वीकार करता है, हरिनाम दीक्षा स्वीकार करता है। इसके पश्चात गुरु के संग में और शुद्ध भक्तों के संग में वो उसको एक अच्छा अवसर मिलता है शास्त्रों के सत्य सुनने का। जब वो भगवान के नाम की महिमा सुनता है, उनके रूप की महिमा सुनता है, उनके गुणों की महिमा सुनता है, उनके उनके लीलाओं की महिमा सुनता है, तब जाके माया को जीतने की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरे शब्दों में अज्ञानता और अनर्थ जो है वो धीरे धीरे हृदय से गायब होने लगते हैं, और उसको जीव को शुद्ध स्वरूप जो है अपना वो क्लियर होने लगता है।
ये विधि है जिसके द्वारा हरि हरि कीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हरि कीर्तन की विधि विजयी होती है इस जगत में। इस विधि से हरि कीर्तन इस जगत में मायावी जगत में प्रवेश करता है। इस सिस्टम के द्वारा हरि कीर्तन करने से व्यक्ति को 7 श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ये जो 7 प्रकार के जो रिजल्ट हैं, ये पहले श्लोक में बोले गए चेतो दर्पण मार्जनम, 7 प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं उसको चेतो दर्पण मार्जन वाले श्लोक में। क्या क्या 7 रिजल्ट कौन कौन से हैं कृष्ण संकीर्तन करने से? पहला है हृदय का दर्पण जो क्लीन होता है, चेतो दर्पण मार्जनम। इन शब्दों में चेतो दर्पण मार्जन शब्द जो है जीव का, इसमें जीव को अपना असली स्वरूप का पता लगता है। जीव को अपने अपने असली स्वरूप का पता लगता है। जीव गोस्वामी का कंक्लूजन है कि जीव जो है परम सत्य का एक अंश है। और उसमें सारी जो शक्तियां हैं उनका सम रहता है जिसको बोलते हैं जीव। जिस प्रकार सूर्य के जिस प्रकार से सूर्य के परमाणु जो है जो सूर्य में उत्पन्न एनर्जी से उत्पन्न हुए हैं, सूर्य में संचित एनर्जी से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार से जीव जो है परम सत्य से उत्पन्न हुए, जो नित्य रूप से अपने मूल परिचय में है, बोला गया अखंड चिन्मय रस विग्रह। यहाँ पे जो रस है वो भक्ति का रस है। ये वो अवस्था है जिसमें स्थाई भाव जो है, जो स्थाई भाव परमानेंट इमोशन है, वो आध्यात्मिक आनंद में बदल जाती है। स्थाई भाव जो है आध्यात्मिक आनंद बदल जाता है। विभाव अनुभाव सात्विक भाव विभचारी भाव सबको मिला। और श्री कृष्ण जो है ऐसे आध्यात्मिक रस के व्यक्तित्व। श्री बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा है वेदांत सूत्र के, उन्होंने भी भगवान को विभू चैतन्य बताया जो सब जगह व्याप्त है, जीव को जो है अनुचैतन्य बताया।
असीमित आध्यात्मिक गुण जो है, जो अच्छा भाग्य सौभाग्य देते हैं, वो हमेशा भगवान में रहते हैं, उपस्थित होते हैं। भगवान में शुद्ध अहंकार है, ज्ञान के रूप में और ज्ञाता के रूप में। इस प्रकार से जीव में भी आध्यात्मिक गुण है कुछ क्वांटिटी में, और कुछ क्वांटिटी में जीव में भी शुद्ध अहंकार है जो ज्ञान और ज्ञाता के रूप में। जैसे हीट है और लाइट है, उष्मा और प्रकाश सूर्य में रहता है, वो उष्मा और प्रकाश सूर्य की लाइट में भी रहता है। दो में से जो भगवान और जीव जो है, भगवान एक है, स्वतंत्र है और सारी शक्तियां के स्वामी स्वरूप शक्तिमान है। वो भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और इस भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं, वो भौतिक जगत बनाते हैं और उसको पालन करते हैं। वो आध्यात्मिक आनंद का घना रूप है। भगवान जो आध्यात्मिक आनंद का घना रूप है, जो अपने आप में स्थित रहते हैं और प्रेम रस प्रदान करने वाले हैं भक्ति के माध्यम से। वे दूसरों को भी टेस्ट करवाते हैं। भगवान जो है आध्यात्मिक का घना रूप है, आध्यात्मिक आनंद। भगवान स्वतंत्र हैं और वो सारी शक्तियों के शक्तिमान हैं। वो इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, इसको पालन करते हैं, इसको संचालन करते हैं वो, और आनंद का वो घना रूप है और अपने आप में स्थित रहते हैं और प्रेम रस प्रदान करने वाले हैं भक्ति के माध्यम से, और वो चाहते हैं कि ये दूसरे के द्वारा टेस्ट। लेकिन जीव जो है अनेक है, भगवान एक ही लेकिन जीव अनेक है। वो अलग अलग अवस्थाओं में, जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में अवस्थित रहते हैं, मुक्त अवस्था में, बद्ध अवस्था में। जब वो भगवान के प्रति उदासीन होते हैं तो भौतिक जगत में बंध जाते हैं। जब लेकिन भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं जो माया की कवरिंग है, जिसके कारण जीव की ओरिजिनल क्वालिटी ढक गई थी, वो खींच जाती है, तो वे अपना स्वस्वरूप देख पाते हैं। इस कंक्लूजन से ये स्पष्ट हो जाता है कि जीव जो है आध्यात्मिक परमाणु है, उनका अपना परिचय है, उनका अपना परिचय जिसमें उनका शुद्ध अहंकार है, शुद्ध चेतना है और आध्यात्मिक शरीर है। जब जीव जो है उदासीन हो जाता है भगवान के प्रति और मायावी मटेरियल एंजॉयमेंट में इनग्रॉस हो जाता है, उनका
का शुद्ध अहंकार, शुद्ध चेतना दूषित हो जाता है अज्ञानता से। यहाँ पे हृदय की तुलना दर्पण से की गई, जैसे व्यक्ति का जो मुखमंडल है वो किसी खराब मिरर में, डर्टी मिरर, खराब दर्पण में नहीं देखा जा सकता। जिस दर्पण में धूल भरी हुई है उसमें व्यक्ति अपना चेहरा नहीं देख सकता है। उसी प्रकार से जीव जो है अपना स्वरूप नहीं देख पाता, उस हृदय से नहीं देख पाता जिसमें अज्ञानता भरी हुई है। जब डिवोशनल सर्विस की प्रैक्टिस जो है भगवान की अलादीनी शक्ति से प्रारंभ होती है, और इस प्रकार से जब श्रवणम, श्रवण कीर्तन भगवान के रूप गुण और लीलाओं का श्रवण करके और संकीर्तन करके श्री कृष्ण का संकीर्तन अपने आप उदित होता है और अज्ञानता को क्लियर कर देता है। उस समय जो शुद्ध चेतना है, जिसमें शुद्ध अहंकार है, उससे वो प्रारंभ करता है, शुद्ध चेतना के दर्पण में देखता है, पांच सत्य को देखता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन पांच शक्तियों को, सत्यों को देखता है। जब हृदय का दर्पण पूरी तरह साफ हो जाता है और व्यक्ति का अपना परिचय की दृष्टि और प्राणस्वरूप उसकी उसका स्वधर्म क्या है उसको तब पता लग जाता है। स्वधर्म जीव का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, भगवान का सेवक है और भगवान की सेवा करना उसका कर्तव्य। पहला वाला चेतो दर्पण मार्जनम भव दावाग्नि, भव महा दावाग्नि निर्वापण, भगवान की सेवा में स्थिरता से एंगेज रहने पे जो भौतिकतावाद है हमारे वो भगवान के प्रति झुकाव में परिवर्तित हो जाता है। जो भाव शब्द है मन ने, जो भाव शब्द है भव है, भाव नहीं, भव शब्द जो है इसका मतलब है कि जीव को इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। बार बार जन्म लेना ये
महान दावाग्नि जंगल में लगी आग के समान। ये जो ब्लेजिंग फॉरेस्ट है फायर की, श्री कृष्ण संकीर्तन के अलावा किसी और चीज से नहीं बजाई जा सकती। क्वेश्चन ही आता है कि जब किसी को अपना स्वधर्म पता लगता है तो क्या वो चैंटिंग बंद कर देता है क्या भगवान के नाम की? तो आंसर है नहीं, कभी नहीं। चैंटिंग करना जीव का नित्य ड्यूटी है, इसलिए आता है श्रेय कैरव चंद्रिका वितनम के होली नेम जो है भगवान का इटर्नली, वो स्वतंत्र है जीव की विशेषता। श्रेय कैरव चंद्रिका वितनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरम, ये चंद्रमा की चांदनी को मतलब भाव भक्ति को वितरित करता है श्री कृष्ण नाम का संकेत जीवों के लिए जो माया के द्वारा बाधित है, माया के द्वारा बंदी है, माया के बंधन में है, उनके लिए केवल भौतिक आनंद ही इच्छित है और इसके कारण उनको बार बार भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है और थ्री फोल्ड मेजरी तीन प्रकार के कष्ट करना। इसके विपरीत माया के विमुख होकर और भगवान की सेवा में लग के व्यक्ति श्रेय प्राप्त कर सकता है। जो हाईएस्ट उच्चतम गोल है, उच्चतम सफलता है श्रेय, वो जो व्हाइट वाटर सफेद पानी में, श्वेत पानी में जो लोटस रहते हैं, कमल रहते हैं, उसको कुमुदिनी बोलते हैं, उसके समान। जैसे चंद्रमा की चांदनी जब इन कुमुदनी के ऊपर जो रात्रि में कमल खिलते हैं उनको कुमुदनी बोलते हैं, चंद्रमा की चांदनी से और फूलते हैं फलते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण संकीर्तन जो है, जो भाव भक्ति की किरणें फैलाता है, वो जीव के अंदर गुड फॉर्चून को खिलाता है। भागवतम के वाक्य के अनुसार भक्त्या संजात या भक्त्या, भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है। तो इसलिए पहले व्यक्ति को कंटिन्यूसली साधना भक्ति में लगे रहना चाहिए श्रवण कीर्तन के द्वारा। उस समय इस स्टेज पे व्यक्ति की भक्ति आभास के समान होती है। उस समय जब साधना भक्ति कर रहा है उस समय व्यक्ति की भक्ति आभास, रियल भक्ति का आभास होती है। इस प्रकार की साधना करके शुद्ध भक्ति जो श्रद्धालु जीव रहते हैं उनके अंदर शुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है। तो जो हर श्री कृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण के नाम है उसकी तुलना चांदनी से की गई, जिस प्रकार से चांदनी के बिखरने से व्हाइट लोटस ब्लूम करता है, श्री कृष्ण संकीर्तन से भाव रति उत्पन्न होती जो भगवान की अलादनीय शक्ति से भरी हुई जीव के हृदय में प्रकट होती। इसके कारण सारे प्रकार के आशीर्वाद मिलते हैं। विद्या वधु जीवन,
तो ये प्रश्न आता है विद्यावधु जीवन का, इसका एक एक शब्द का जो चेतो दर्पण माजन, उसका एक एक शब्द इस चेतन इस शिक्षा शास्त्र में बताया जा रहा है। विद्यावधु जीवनम, ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है विद्यावधु जीवनम, ये सारे आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन है। तो प्रश्न ही आता है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, वो अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त करेंगे? इस क्वेश्चन के रिप्लाई में श्री नंदन गोलचंद्र, श्री सचिनंदन गोलचंद्र कहते हैं, विद्यावधु जीवन, वास्तव में भगवान के पास एक शक्ति है, एक शक्ति, लेकिन इसके दो कार्य हैं, विद्या और अविद्या। भगवान की एक शक्ति, इसके दो कार्य, विद्या और अविद्या। भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, योग माया स्वरूप शक्ति है, वो विद्या कहलाती है, और भगवान की जो बाहरी शक्ति है, महामाया है, जो इस भौतिक जगत के सृष्टि रचना में के लिए उत्तरदायी है, और जो जीव का स्वरूप को कवर कर लेते हैं, जीव के ओरिजिनल स्वरूप को कवर कर लेती, वो माया कहलाती, अविद्या कहलाती। तो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, वो विद्या कहलाती है, और जो बाहरी शक्ति है, जो रिस्पॉन्सिबल है उसके भौतिक जगत के बनाने के लिए, और जो जीव का ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म कवर कर लेती है और उससे संबंधित क्वालिटी को, वो अविद्या कहलाती है। जब साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है, जब साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है श्रवण और कीर्तन के माध्यम से, तो भक्ति देवी जो है उसके अंदर से भगवान की सेवा करने के अलावा सारी इच्छा निकाल देती है और अविद्या निकाल देती है। और भक्ति जो है जीव का स्थूल और सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर देती है, और साथ में भक्ति देवी जीव के हृदय में ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म व्यक्त करती है, उत्पन्न कर देती है। उस अवस्था तक जब तक कि वो गोपी का शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर ले, अगर वो माधुर्य रस में है तो। कोई भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक चारों में से किसी भी रूप में प्राप्त कर सकता है, दास से साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में, अब व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, दूसरे शब्दों में स्थायी भाव के अनुसार। इससे ये सिद्ध होता है कि जो चैंटिंग है होली नेम का, भगवान के शुद्ध नाम का चैंटिंग है, वो सारे आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन है, प्राण है। उसकी तुलना पत्नी से की गई, वधु से। जो स्वरूप शक्ति भगवान की पत्नी से तुलना की गई, आगे बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति जो है भगवान की स्वरूप शक्ति का लक्षण है। जो शुद्ध सत्व है वो अलादिनी शक्ति और सम्मित शक्तियों का मिला जुला सार है। जब शुद्ध सत्व प्राप्त हो जाता है किसी को,
उसमें भक्ति भी उपस्थित होती है और साधना भक्ति की कई प्रक्रियाओं के द्वारा, शरणम कीर्तन के द्वारा शुद्ध सत्य हृदय में उत्पन्न होता है। शुद्ध सत्य जो है नित्य रूप से भगवान के नित्य पार्षदों में रहता है, उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में डिवोशन सर्विस परफॉर्म कर शुद्ध सत्य हृदय में प्रकट होता है। शुद्ध सत्य को रति भी बोला जाता है, रति भाव भी बोला जाता है। रति की अवस्था में भक्ति परफॉर्म करके भाव भक्ति प्रेम भक्ति में बदल जाती है और प्रेम भक्ति का जो सार है वो भाव है, प्रेम भक्ति की जो सार है वो है भाव। और भाव का एसेंस है महाभाव। ये महाभाव जो है राधा रानी का स्वरूप है, जो राधा ठाकुरानी है, महाभाव का विग्रह है। इसलिए जो महाभाव है, जहां पे महाभाव है वहां पर राधा रानी उपस्थित है। अनंत काल से राधा रानी जो है भगवान की स्वरूप शक्ति रही है, इसलिए लीला विलास के लिए दो बन जाते हैं और वैसे एक ही हूं, लीला विलास के दो बन जाते हैं। और राधा रानी आगे चल के बहुत सारी गोपियां बन जाती है और जो भक्ति है वो स्वरूप शक्ति का एसेंशियल फंक्शन होके वो हमेशा गोपियों के हृदय में रहती है। राधा रानी स्वयं स्वरूप शक्ति का विग्रह है और भक्ति का स्वरूप है राधा राम। इसलिए स्वरूप शक्ति की तुलना की गई है श्री कृष्ण की पत्नी से, प्रिय पत्नी से। और भक्ति की भी इस प्रकार से तुलना की गई श्री कृष्ण की पत्नी से। चेतो दर्पणम आर्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंडिका वितनम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन है जो ये आनंदाम बुद्धि वर्धनम आनंद को बढ़ाने वाला है। जब जीव के ग्रॉस स्थूल और सूक्ष्म शरीर जब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका जो सूक्ष्म स्वभाव है अंदर वो प्रत्यक्ष हो जाता है। उस समय जीव का जो स्वरूप है वो प्रकट होता है और ये माना जाता है कि उसकी जो संवैधानिक आनंद है वो बहुत सूक्ष्म है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको इस चीज को प्रकट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का जो पवित्र नाम है ये रस को बढ़ाने वाला है, ये सागर ऐसा है जो बढ़ने वाला है आनंद धाम बुद्धि वर्धन। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण संकीर्तन जो है मुक्त अवस्था में श्री कृष्ण संकीर्तन जो है
अनलिमिटेड असीमित रूप से एक्सपांड होता है, जीव का आध्यात्मिक आनंद बढ़ता जाता है अलादीन शक्ति के कारण। पूर्णा मता स्वादनम, ये जो श्री कृष्ण संकेत पूर्णामृत पूर्णामृता स्वादनम, ये श्री कृष्ण संकीर्तन व्यक्ति को उस अवस्था में पूर्ण अमृत, हर स्टेप पे पूर्ण अमृत टेस्ट करने का मौका देता है। उस समय जीव नित्य रूप से स्थित हो जाता है एक आध्यात्मिक रस में, या दास्य में, या साख्य में, या वात्सल्य में, माधुरी में, और उस अमृत का पूरी तरीके से आस्वादन करता है। अपना फ्रेशनेस, भगवान के प्रति जो आसक्ति, उस फ्रेशनेस को बढ़ा के नव नवायमान अनुराग, भगवान का जो रूप माधुरी, गुण माधुरी और लीला माधुरी, ये हमेशा फ्रेश। जीव जो जिन्होंने अपना प्रेम जागृत किया कृष्ण की तरफ, और भगवान की स्वीटनेस का अमृत को कंटिन्यूसली ड्रिंक करते हैं, लेकिन असंतुष्ट रहते हैं और पाने की इच्छा, इसलिए वो बिना रुकावट के ड्रिंक करते हैं स्वीटनेस में एंडलेस वैरायटी। सर्वात्मा स्नपम परम विजयते श्री कृष्ण संकेत। सर्वात्मा स्नपम मतलब प्रेमानंद जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो ये जीव के अंदर ये डर आ सकता है कि जो हैप्पीनेस है जीव के अंदर, जो एवर फ्रेश ब्लिस प्रेम का जो आनंद है, वो कहीं अपने स्वयं के एंजॉयमेंट की इच्छा पूरी करने के तुम नहीं है। लेकिन व्यक्ति के अपने आनंद की जो इच्छा, उसके विपरीत जो भगवान का प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, व्यक्ति की अपनी इच्छा को प्रेमानंद कैसे बोल सकते हैं? ये डर को दूर करने के लिए चेतन महाप्रभु बोलते हैं सर्वात्मना स्नपम, जो भगवान का प्रिय नाम है, पवित्र नाम है, वो जीव को बाहर से अंदर दोनों तरफ से धो देता है और उसको क्लीन और कूल बना देता है, स्वच्छ और शीतल बना देता है। तो जो आनंद है कृष्ण प्रेम में, जो आनंद है वो शुद्ध है पूर्ण रूप से, जिसमें व्यक्ति की स्वार्थ की इच्छा नहीं रहती अपने आनंद के लिए, और अपने ओरिजिनल फॉर्म में जीव जो है राधा रानी का मेड सर्वेंट बन जाता है। जो भगवान की अलादीन शक्ति का विग्रह है, और जो महामेशा महाभाव के आनंद में डूबी रहती है। डिवाइन कपल जो है, दिव्य जोड़ी है, जो युगल जोड़ी राधा कृष्ण की, उनकी सेवा उनके माधुर्य रस में, उसे असीमित आनंद मिलता है। उसमें काम की जरा भी इच्छा नहीं रहती है। तो सर्वात्मना स्नपम,
मतलब है सुप्रम प्योरिटीज, पूर्ण शुद्धता बताता है। इसमें ना तो भगवान में मिलने की भावना, ना कोई भोगने की भावना है। तो होली नेम जो भगवान का पवित्र नाम है, ये साफ इन आध्यात्मिक क्वालिटी से डेकोरेट रहता है। और ये जो भगवान का पवित्र नाम है सच्चिदानंद है। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। स्पेशली भगवान के प्रेम लीलाओं को व्यक्त करने में श्री राधा कृष्ण की। आगे बोला गया जो पवित्र नाम है ये कमल के फूल की कली के समान है। हरि नाम का कॉन्स्टेंट चेंटिंग करने से पहले साधक के अंदर उत्पन्न होता है, उसके बाद कृष्ण का रूप, उनके आध्यात्मिक गुण, उनकी लीलाएं, और उनके पार्षद सब हृदय में व्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान का पवित्र नाम लेने से जो डिवोटी है इशारा देख सकता है अपने हृदय में, वो भगवान की विलास लीलाएं भी देख सकता है, और उसके बाद वो भौतिक शरीर छोड़ के सच्चित अपने नित्य रूप में चला जाता है भगवान की लीलाओं में। इसलिए जो भगवान का पवित्र नाम है, जो प्रेम विलास को प्रसिद्ध करता है, उसकी विशेष रूप से महिमा गानी चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया, नाम संकीर्तन हिते सर्वनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रमेर उल्लास। संकीर्तन हिते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन। कृष्ण कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृतमृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से सारे टाइप के अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है। और जो कई जन्मों के पाप क्रियाएं खत्म हो जाती है मूल से श्री कृष्ण संकीर्तन करने से, उसके साथ में जो भौतिक अस्तित्व बार बार जन्म कर्म का वो भी खत्म हो जाता है। और सारे जो बेनेडिक्शन है, आशीर्वाद है, कृष्ण संकीर्तन से मिल जाते हैं। और जो सारी वैरायटी डिवोशन सर्विस की, उससे प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है व्यक्ति जो कृष्ण प्रेम को टेस्ट करने लगता है, उस प्रकार से श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। और फाइनली व्यक्ति शुद्धता प्राप्त करता है, शीतलता प्राप्त करता है, और भगवान के सेवा के अमृत में पूरी तरह डूब जाता है। इसके बाद एक भजन है, शिक्षकाष्टम के श्लोक के ऊपर एक भजन है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिशि शिष्याष्टकम की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्ति।